तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम लोग एक और फिर से वापस आ चुके हैं। एंड भाई, कैसी गई यार आप लोगों की दिवाली? भाई मेरी तो काफी अच्छी गई। फिलहाल गाइस, आज हम लोग अपने टनल 13 के ऊपर हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, इस सीजन हम लोग पुशिंग कर रहे हैं। मतलब हाँ, पुशिंग तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक ठाक पुशिंग चल रही है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है। फिलहाल हमारी जो ट्रॉफीज हैं वो है यहाँ पे 5496। एंड अगर हम लोग आज की बात करें, आज का अगर मैं आप लोगों को बैटल लॉग दिखाऊं, तो हम लोग ने अभी तक एक भी अटैक किया नहीं है। एंड हमारे ऊपर 4 डिफेंस पड़ चुके हैं, -96 हो चुकी है हमारी। एंड अगर हम लोग कल की बात करें, तो भाई कल हमारी प्लस हुई है, +18। ज्यादा ट्रॉफीज यहाँ पे प्लस नहीं हुई, लेकिन अच्छा है, माइनस तो नहीं हुई ना कम से कम। फिलहाल गाइस हम लोग चलेंगे लेजेंड लिंग में अटैक के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि हम लोग लेजेंड लिंग में अटैक करें, एक वॉर अटैक देख लेते हैं हम लोग अपना, जो कि हम लोग ने 3-स्टार निकाला था। एंड अगर हम लोग डिफेंस की बात करें, तो हमारे बेस के ऊपर 1-स्टार निकला था। भाई साहब, इस वॉर को मैंने ही जिताया था। अगर देखा जाए, लास्ट के 1 मिनट में मैंने अटैक किया था एंड 3-स्टार निकाल के अपने क्लैन को जिताया था। यहाँ पे हम लोग ने यूज किया था जैप लालो। सबसे पहले हम लोग ने किया क्या, यहाँ पे डाला अपनी लाइटिंग स्पेल्स को एंड अर्थिंग स्पेल्स को ऐसे डाला कि स्कैटर शॉट एंड इस सिंगल डैनी फन्नो को डैमेज पहुंचे। उसके बाद हम लोग ने अपनी रॉयल चैंपियन की मदद से इस सिंगल डैनी फन्नो को डाउन कर लिया। एंड हमारा मेन टारगेट सिर्फ सिंगल डैनी फन्नो को डाउन करना नहीं था, हमारा मेन टारगेट था कि इस स्कैटर शॉट को भी डाउन किया जाए। एंड जैसे यहाँ पे रॉयल चैंपियन घूमी, मुझे पता लग गया कि भाई ये स्कैटर शॉट यहाँ पे डाउन होने वाला है। एंड भाई रॉयल चैंपियन ने यहाँ पे क्या ही वैल्यू निकाली। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे अपनी क्वीन को डाल दिया, स्निकी गोब्लिंस की मदद से एक अच्छा खासा फना बना लिया एंड इस तरफ भी फना बना लिया। एंड उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे अपने किंग को डाल दिया, जो कि जाएगा सीधा टाउन हॉल के लिए। लेकिन टाउन हॉल के पास बहुत सारे डिफेंसेस भी थे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे आइस गोलम्स को यूज किया। एंड यहाँ पे अपोनेंट की रॉयल चैंपियन भी थी, जो कि हमारे किंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। एंड वही किया यहाँ पे अपोनेंट की रॉयल चैंपियन ने, हम लोग ने यहाँ पे अपने किंग की एबिलिटी को यूज किया एंड किंग की एबिलिटी की मदद से यहाँ पे अपोनेंट की रॉयल चैंपियन भी डाउन हो गई, टाउन हॉल भी यहाँ पे डाउन हो गया। हमारा मेन टारगेट था यहाँ पे कि क्वीन से अपोनेंट के स्कैटर शॉट को डाउन किया जाए, लेकिन भाई ऐसा हुआ ही नहीं। हमारी जो क्वीन थी भाई साहब, वो स्कैटर शॉट की तरफ गई नहीं, जो कि हमारा मेन इंटेंशन था, लेकिन भाई वैसा हुआ ही नहीं। तो हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे लालो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सामने यहाँ पे सिंगल रनिंग फनो था, वो हमारी अगर क्वीन के ऊपर लॉक हो जाता तो अपने को और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती थी यहाँ पे। एंड हम लोग इस अटैक को फटाफट से 2x में देख लेते हैं। एंड यहाँ पे भाई साहब, हम लोगों ने वार्डन की एबिलिटी को बहुत ज्यादा लेट कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया। एंड यहाँ पे ये वाला जो स्कैटर शॉट था भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था हमारे बैलून्स को, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बैलून्स यहाँ पे बचे हुए थे। सो इन्हीं बैलून्स ने यहाँ पे स्कैटर शॉट को डाउन किया, एक्चुअली बैलून्स ने नहीं, ग्रैंड वार्डन ने यहाँ पे डाउन कर लिया इस स्कैटर शॉट को। एंड इस तरह से गाइज ये अटैक यहाँ पे 3-स्टार निकला। सो गाइज, ये था भाई हमारा वॉर का अटैक, 3-स्टार अटैक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फिलहाल हम लोग चलेंगे अटैक के ऊपर लेजेंड लिंग में। एंड अगर गाइज हमारा अटैक 3-स्टार निकलता है, तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है भाई, मुझे और कुछ नहीं सुनना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके भाई, ये बेस मिला अपने को यहाँ पे, भाई काफी ट्रोल टाइप का बेस है। अगर मैं टाउन हॉल की तरफ से क्वीन चार्ज करने गया, तो भाई क्वीन की वाट लगने वाली है, क्योंकि 4 ग्राउंड एक्सोस है वहाँ पे, सिंगल एंड इन्फर्नो है एंड स्कैटर शॉट भी वहीं पे, अपोनेंट का सीसी भी वहीं पे है। लेकिन क्वीन चार्ज हम लोग करेंगे तो करेंगे कहाँ से भाई, मुझे लगता है टाउन हॉल की तरफ से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो चलते हैं भाई, टाउन हॉल की तरफ से ही चलेंगे। सीग बैरक्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यहाँ पे बैलून। ओ भाई साहब, ब्लैक एयर माइंस, एक और 2 ब्लैक एयर माइन निकल गई यहाँ पे, 3। ओ भाई, 3 ब्लैक एयर माइन, 4 भाई, 4 ब्लैक एयर माइंस निकल गई यहाँ पे रेज, यहाँ पे फ्रीज। सामने अपर उनका किंग है, सो यहाँ पे एक हेड हंटर बच गया भाई, हेड हंटर हमारा। एंड अपन के किंग भी यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पे एक और रेज। एंड अभी ना अपने को फटाफट से यहाँ पे हाइब्रिड स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफेंसिस हैं, अगर वो क्वीन के ऊपर लॉक हुए तो भाई हमारी क्वीन का मरना निश्चित है। सो यहाँ पे माइनर्स, वार्डन, यहाँ पे एक फ्रीज, यहाँ पे आ जाएंगे हॉग राइडर्स, रॉयल चैंपियन, पहली हीलिंग स्पेल, पॉइजन, क्वीन की एबिलिटी, रेज, कमोन कमोन, वार्डन की एबिलिटी, सही जा रहा भाई अटैक। क्वीन थोड़ी सी खतरे में है भाई, क्वीन यहां पे नहीं मरनी चाहिए। यहां पे आ जाएगी हमारी लास्ट वाली हीलिंग स्पेल,
ओ भाई साहब, क्वीन हमारी यहाँ पे डाउन हो गई। यहाँ पे बेबी ड्रैगन भाई, दो सुपर वॉल वेकर है हमारे पास, इनको मैं कहाँ पे डालूँ? कहीं नहीं डाल सकता भाई। रुको भाई, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे बाद में। ओके, अभी आ जाएंगे यहाँ पे सुपर वॉल वेकर, जो कि कैनन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी एंड ओके भाई, ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकलने वाला है। निकलने वाला क्या भाई, निकल गया ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार, 90% यहाँ पे निकल चुका है। सो भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, अगर ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकला तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, अभी बारी आ चुकी है आप लोगों की सब्सक्राइब करने की। अगर नहीं कर रखा तो कर लो यार, 100K तक जाना अपने को, ठीक है? कर लो भाई अगर नहीं कर रखा, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड बेल आइकन भी ऑन कर लेना। एंड भाई, अभी हमारे ऊपर एक डिफेंस भी हुआ था। ओके भाई, -27 ही हुई है, ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी है। तो गाइज, अभी हम लोग एक बार फिर से चलेंगे अटैक के ऊपर, जैसे ही हमारे हीरोज यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते हैं, लेट्स गो। ओके। ओके, सही है, मल्टी रनिंग फनो है एक, एंड दो सिंगल रनिंग फनो है। यहाँ पे क्वीन, एक कोकोलून, एंड अभी हम लोग हिलर्स डालेंगे नहीं, पहले देखते हैं क्वीन किस तरफ जाएगी। एक हिलर डाल देते हैं अभी। क्वीन आएगी भाई पीछे मुड़ के। ओके, आ चुकी है यहाँ पे सुपर वॉल वेकर, हिलर्स, रेज, एबिलिटी नहीं, प्लीज एबिलिटी नहीं, एबिलिटी नहीं। ओ भाई, ये एबिलिटी इतनी जल्दी कैसे यूज होगी? एक हेडेंटर आ जाएगा यहाँ पे यार। नहीं भाई, एबिलिटी तो यहाँ पे यूज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो अब हो गया है तो क्या कर सकते हम लोग। अभी बचा के रखना क्वीन को, एक और रेज आ जाएगी यहाँ पे। चार चार कैनन्स यहाँ पे टारगेट कर रही है। यहाँ पे एक सुपर वॉल वेकर, यहाँ पे किंग सीग बैरक्स, यहाँ पे आ जाएंगे माइनर्स, वार्डन, हॉग राइडर्स, रॉयल चैंपियन, एक सुपर वॉल वेकर यहाँ पे आ जाएगा हेड हंटर, पहली हीलिंग स्पेल। पॉइजन, अरे पागल, क्वीन इस वॉल को क्यों तोड़ रही है भाई? ओके, सही है, वार्डन की एबिलिटी। ओ माय गॉड, बहुत सारे जानवर निकले यहाँ पे। रेज, लास्ट वाली हीलिंग स्पेल, यहाँ पे फ्रीज। भाई साहब, ये अटैक भी यहाँ पे त्रिशा निकले वाला है, कुछ बचे ही नहीं है भाई बेस के ऊपर। एंड वॉल वेकर्स ने जो यहाँ पे काम किया, काबिले तारीफ भाई। हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉल वेकर्स को यूज किया। एंड यहाँ पे हम लोग स्वैग कर देते हैं फ्रीज स्पेल को, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी को हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं, कुछ बचे ही नहीं है भाई बेस के ऊपर। बैलून्स को भी हम लोग यहाँ पे स्वैग कर देते हैं। भाई साहब, क्या ही त्रिशा निकाला हम लोगों ने। एंड अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया इस अटैक को देखने के बाद भी, तो भाई क्या कर रहे हो यार, लाइक कर लो। फिलहाल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये साल खत्म होने से पहले अपने को 100K तक जाना है। वैसे गाइस सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता हम लोग जा पाएंगे 100K तक, लेकिन भाई अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत जल्दी हम लोग 100K तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।